Hello, my dear students and my dear friends. Welcome all of you on our YouTube channel ITT Science Classes. आज हम लोग using theory of drift velocity express ohm law देखेंगे. बड़ा important है. और इसको पढ़ने के लिए, इस समझने के लिए, अगर आप मेरा इसके पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं, तो पहले उसको देख लीजिए. ऐसे हम डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे देंगे और पहले उसको पूरा देख लीजिए, साथ में कॉपी कलम रखिए और ये इस क्वेश्चन से संबंधित ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ज़रूर कहीं ना कहीं क्वेश्चन रहेगा. इसका सब ऑब्जेक्टिव वगैरह सब अभी हम लोग समझ जाएंगे, कैसा क्वेश्चन पूछेगा, क्या रहेगा. तो देखिए कि क्या हम लोग कैसे इसका आंसर तैयार करेंगे. तो यहाँ पर अगर जो हम लोग देखेंगे तो लिखेंगे सबसे पहला बात कि वी नो दैट. नहीं भी जानते हैं तो भी लिखना होगा वी नो दैट. क्या लिखिएगा वी नो दैट में? तो इसके पहले हम लोग एक इक्वेशन देखे थे, आई इज इक्वल टू एन इलेक्ट्रिक करेंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एन ए ई वी डी देखे थे, ये पहला इक्वेशन. और दूसरा आप I इज इक्वल टू क्या देखे थे, एक और इक्वेशन निकाले थे N A E और V D का हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में लिखे थे. क्या लिखे थे? V E by M L एम एल इंटू टॉर्क, यही लिखे थे. अब देखिए क्या है कि हम लोग क्यों ये ओम्स लॉ को ड्रिफ्ट वेलोसिटी के मदद से निकालने जा रहे हैं. हुआ ये कंफ्यूजन कि ओम्स ने बाय एक्सपेरिमेंट ये बता दिया कि किसी भी कंडक्टर में जब हम लोग करंट बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसके अक्रॉस पोटेंशियल बढ़ जाएगा, और अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसमें क्या होगा, करंट बढ़ जाएगा. और इसने अगेन एंड अगेन प्रयोग किया और उस प्रयोग के आधार पर बताया गया कि V प्रोपोर्शनल I, मतलब V बाई I, V और वोल्टेज और करेंट का जो रेशियो होगा वह क्या होगा, एक कॉन्स्टेंट होगा. लेकिन इसका एक्सप्लानेशन ओम्स लॉ के मदद से नहीं मिल पाया. ये बस सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल प्रयोग के तहत ही हम लोग बता सके कि पोटेंशियल बढ़ाने पर करंट बढ़ता है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने पर या करंट बढ़ाने पर कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता है. लेकिन क्यों बढ़ता है, आखिर भी और आई का रेशियो क्यों कॉन्स्टेंट होता है, इसका कोई एक्सप्लानेशन नहीं हो पाया. लेकिन इसके मदद से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के मदद से सारा बात क्लियर हो जाएगा. लेकिन हाँ, यहाँ पर ओम्स लॉ वैलिड किसके लिए था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर. एट कांस्टेंट टेम्परेचर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट अक्रॉस की, ऐसा था ओम्स लॉ. वी प्रोपोर्शनल टू आई और वी इक्वल टू आई आर लिखते थे, जहाँ आर रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर होता था. यहाँ पर देखिए कि हमने ये दोनों इक्वेशन को पहले निकाल चुके हैं, है ना, पिछले वीडियो में देखे थे. ये टाइम ऑफ रिलैक्सेशन है, ये भी जो है यह पोटेंशियल डिफरेंस है कंडक्टर के क्रॉस. अब देखें, अब यहां से हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन ही लेकर चलते हैं. फर्स्ट में वी डी का सिर्फ मान लिखें, आई बाई वी आप ले आइए नीचे, तो इधर क्या होगा, एन ए ई स्क्वायर बाई एम एल इंटू रिलैक्सेशन टाइम टॉ. अब इसको ऐसे लिख दीजिए, आई बाई वी इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन सेकेंड नहीं कहिएगा, और इसके बगल में लिख दीजिएगा, चूंकि
वी डी इज इक्वल टू वी इंटू ई बाई एम एल इंटू रिलैक्सेशन टाइम, जहां वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ये वेलोसिटी इसको नहीं समझिएगा। अब देखिए तो आई बाई वी इज इक्वल टू क्या हो गया, एन ए ई स्क्वायर बाई एम एल। तो इसको इस टाइप से लिखते हैं, ए बाई एल एन ई स्क्वायर एम इंटू रिलैक्सेशन टाइम या टाइम ऑफ रिलैक्सेशन टॉ। अब इसका व्युत्क्रम करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे तो वी बाई आई हो जाएगा। ए लिखाएगा क्या, एल बाई ए एम एन सॉरी एम बाई एन ई स्क्वायर और नीचे टॉर्क होगा, वन बाई टॉ होगा। ओके अब देखिए इसको हम लोग एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर कॉन्स्टेंट है तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होगा, रिलैक्सेशन टाइम कॉन्स्टेंट होगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा, मास क्या है इलेक्ट्रॉन का मास भी कॉन्स्टेंट होगा। तो वैसे स्थिति में ये और कंडक्टर का लेंथ कॉन्स्टेंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कॉन्स्टेंट, तो वी वाई आई यहाँ पर क्या रहा है, कॉन्स्टेंट आ रहा है। लेकिन इसको हम लोग इतना को सिर्फ कहते हैं रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। तो यहां से क्या हुआ, V बाई आई इज इक्वल टू एल बाई ए आर इन टू रो, जो कि अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग होगा, क्योंकि अलग अलग मटेरियल के लिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे कि कॉपर के लिए तो कॉपर का नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एल्युमिनियम से क्या होगा, अलग होगा। अरे इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होगा, इलेक्ट्रॉन का मास सेम होगा, लेकिन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो बदल जाएगा अलग अलग मटेरियल के लिए, और आपका टाइम ऑफ रिलैक्सेशन भी बदल जाएगा क्योंकि वो मटेरियल पर निर्भर करेगा। तो यहाँ से वी बाई आई ये पूरा का पूरा कॉन्स्टेंट है, लेकिन इसको अपने स्तर से लिखें तो वी बाई आई रो एल बाई ए, यही क्या होता है, आर होता है। तो यह क्या है, दिस इज ओम लॉ, ओम्स लॉ। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी इसमें हम कुछ और बात करेंगे। चलिए अब देखिए इधर हम लोग लिखते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक और रिलेशन होता है, वी डी इज इक्वल टू म्यू इंटू ई, जहां वी म्यू क्या है, मोबिलिटी होता है और ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो वी डी इधर से आप क्या लिखते थे, वी डी इक्वल टू क्या लिखेगा, आई बाई यहां से एन ए ई, सिंपल वी डी इक्वल टू इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू ई। तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू ई एन ए ई, म्यू ई एन ए ई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो जाता है, प्रोपोर्शनल हो जाता है। मतलब पहले आप देख रहे थे कि V प्रोपोर्शनल I या I प्रोपोर्शनल V, लेकिन अब करंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का भी क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे उतना ही ज़्यादा आपका उस कंडक्टर में क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा। तो एक रिलेशन इसको भी याद रखिएगा कि वी डी इज इक्वल टू म्यू इन टू ई है, जो कि अलग अलग मटेरियल के लिए आपका मोबिलिटी अलग अलग होगा। अब आगे हम लोग देखेंगे एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी यहीं से आता है। कैसे आता है इसको देखिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ऐसे देखिए, यहां आप समझ रहे होंगे, इसी इक्वेशन को लेकर चलते हैं। आई इज इक्वल टू एन ए इंटू वी डी, इस इक्वेशन को लेकर चलना है, जहां ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर है। अब मान लिया जाए कि कोई कंडक्टर, अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें इतना मानकर चलते थे कि कोई कंडक्टर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब हम लोग मान लेते थे कि दोनों तरफ जो एरिया है कंडक्टर का, दोनों इंड का एरिया क्या है, ए है। लेकिन ऐसा नहीं, अगर हम लोग ऐसा कोई कंडक्टर लेते हैं, तो इधर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ए वन है और यहां का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए टू है, और इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कांस्टेंट फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट होगा तो आई कांस्टेंट कर दीजिए, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम तो आपका सब जगह सेम होगा, ये कांस्टेंट हो गया, इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज कांस्टेंट हो गया, तो आई बाई एन ई ये कांस्टेंट हो गया, इज इक्वल टू ए इंटू क्या लिखेंगे, वी डी लिखेंगे। मतलब कि ए इंटू वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कब, जब कंडक्टर में कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा हो। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है वहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, और जहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है वहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा, ताकि इसका दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो, कॉन्स्टेंट हो। कहने का मतलब कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी 2 है, सपोज तो 4 × 2 = 8 हुआ। लेकिन अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जहां आधा हो जाएगा तो वहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस टाइप का इक्वेशन को फॉलो करेगा। सेम इक्वेशन हम लोग ऐसा ही जब फ्लूड मैकेनिक्स पढ़ रहे थे तब हम लोग डिराइव किए थे या पढ़े होंगे, तो इसको हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं कि ए इंटू वी डी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसका भी आप लोग देख लीजिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ए इंटू वी डी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड सारा बात हम बता दिए हैं, और भी आप अपने स्तर से तैयारी कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पूरा वीडियो देखिए, अंत तक देखा कीजिए, और जब भी देखिए कॉपी कलम साथ में रखिए। और उम्मीद करते हैं कि सबका तैयारी अच्छे तरीक़े से हो रहा होगा। थैंक यू। और हाँ, इसके पहले अगर ये वीडियो नहीं देखे हैं, इसके पहले वाला वीडियो, तो उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, पहले उसको आप देख लीजिए, उसके बाद इसको समझिएगा, अच्छे तरीका समझ में आएगा। ये अगर क्वेश्चन पूछेगा तो बस वी नो दैट इतना, और वी डी इक्वल टू इतना आप रखिएगा जो लिखे होंगे, और इसको डेराइव कर दीजिएगा। थैंक यू।